अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेहरान स्पोर्ट जे हिक बे ऐं दिलचस्प प्रोग्राम सां गॾु आउं आहियां इमरान शाह। प्रोग्राम जी बाक़ायदगी सां शुरूआत करियूं था ऐं पहिरीं नज़र विझूं था हिन हफ़्ते जी टॉप स्टोरीज़ ते। शाहिद ख़ान आफरीदी ऐं एजाज़ भट्ट जो समूरो तकरार ख़तम थी वियो सिर्फ़ हिकु मुलाक़ात में। एहसान उल हक ऐं रोहन बोपन्ना विंबलडन जे सीडिंग में शामिल। प्रोग्राम में शामिल आहे रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन हैदराबाद जे कोऑर्डिनेटर सां खुसूसी ॻाल्हि ॿोल। जीत नाज़रीन, प्रोग्राम जी शुरूआत में ॻाल्हि करियूं था पाकिस्तान जे बेस्ट ऑलराउंडर ऐं अॻूणे कैप्टन शाहिद ख़ान आफरीदी जी। पीसीबी ऐं शाहिद ख़ान आफरीदी विच में आख़िर मामिलो तय थी वियो, पर डिसिप्लिन जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी लाइ उन ते 45 लख रुपए जो जुर्मानो आयद कयो वियो आहे। कल शाम शाहिद ख़ान आफरीदी सुल्तान राणा जी सरबराही में डिसिप्लिनरी कमेटी जे साम्हूं पेश थियो हो। पेशी खां पोइ शाहिद ख़ान आफरीदी ऐं पीसीबी जे वकील तफ़ज़ुल रिज़वी मीडिया सां ॻाल्हायो। तफ़ज़ुल रिज़वी चयो आहे त डिसिप्लिन जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी ते शाहिद ख़ान आफरीदी ते 45 लख रुपए जो ॾंड हयो वियो आहे, पर हुन जो काउंटी खेलण लाइ NOC जल्दी जारी कई वेंदी। कमेटी ने यूनानिमस डिसीजन से एक ऐसा ऑर्डर पास किया जिसके रीजंस जो है वो कल या परसों तक आ जाएं, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि डिटेल्ड रीज़न लिखा जाए। एक ऑर्डर पास किया है कि जिसमें फाइन 45 लाख रुपए फाइन शाहिद आफरीदी साहब पे होगा। जहाँ तक क्रिकेट का ताल्लुक है, मैं अभी फिलहाल क्रिकेट नहीं खेलने के मूड में हूँ, आगे देखूंगा, लेकिन अभी कोई इरादा नहीं मेरे क्रिकेट खेलने। NOC के लिए आया था यहाँ पे, NOC इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आफरीदी जो चवण आहे हू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जे मौजूदा रवैयनि खे ॾिसणे पाकिस्तान लाइ क्रिकेट नथा खेॾणु चाहिनि, पर क्रिकेट उन जो रोज़गार आहे। हू काउंट्री ऐं श्रीलंका क्रिकेट लीग लाइ क्रिकेट खेॾणु चाहिनि था। आफरीदी इहा ॻाल्हि तक़रीबन 2 हफ़्ता पहिरीं कराची प्रेस क्लब में हिकु प्रेस कॉन्फ्रेंस में चई हुई ऐं उनजी रिटायरमेंट ते PCB जे चेयरमैन एजाज़ भट्ट चयो आहे त अगरि शाहिद ख़ान आफरीदी क्रिकेट नथो खेॾणु चाहे त को मसइलो ई न आहे। शाहिद ख़ान आफरीदी ऐं PCB जे विच में ॾींहों ॾींहुं अणबण वधंदी पई वञे ऐं इहो सही तरीक़े सां हल बि न पियो थी सघे। लॻे पियो त इहो मसइलो अञा जो मसइलो थी वियो आहे। शाहिद ख़ान आफरीदी सिंध हाई कोर्ट में हिकु पिटीशन दाख़िल कई हुई। गुज़िरियल ॾींहुं शाहिद ख़ान आफरीदी जो वकील सिंध हाई कोर्ट में पेश थियो हो ऐं उन्हनि शाहिद ख़ान आफरीदी तरफ़ां उहा दरख़्वास्त वापसि वठी छॾी हुई। कुझु ॾींहुं पहिरीं शाहिद ख़ान आफरीदी ऐं एजाज़ भट्ट जी इस्लामाबादी मुलाक़ात बर्फ़ ॻारे छॾी, पर सवाल इहो थो पैदा थिए आख़िर इहा मुलाक़ात कराई कई। फ़िलहाल हुन जे बारे में कुझु चई नथा सघूं छो त हुनजो नालो अञा साम्हूं ई कोन आयो आहे। शाहिद ख़ान आफरीदी ऐं एजाज़ भट्ट जे विच में थींदड़ सुलह ते अॻूणे क्रिकेटर अब्दुल क़ादिर ऐं अॻूणे PCB जे चेयरमैन तौकीर ज़िया चयो आहे त इहो हिकु सुठो क़दम आहे। इहो मसइलो अदालत में हल न थियणु घुरिजे, बल्कि इन खां ॿाहिरि ई इन जो फ़ैसिलो कयो वञे ऐं उन्हनि वधीक कुझु हिकु न्यूज़ चैनल सां ॻाल्हायो। पर छा ॻाल्हायो, अचो तव्हांखे ॾेखारियूं था। ये है कि ये चीज़ ऐसे हल हो ही जानी थी जिस तरीके से लोग अंदर पढ़ रहे थे। आप कह रहे हैं कि नाम का पता नहीं, मेरे ख्याल में तो पेटर्न इन चीफ इसमें ज़रूर पड़े होंगे और उन्होंने इनको बताया होगा कि आपस में मसला हल करो। अगर मसले को इसी तरीके से हल होना था तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये शुरू में ही वेस्ट इंडीज से वापस आए उसी वक्त एजाज़ भट्ट साहब को इनको मिल लेना चाहिए था और ये मसला उसी वक्त हल कर देते, ना ये दुनिया में हमारी जगहसाई होती, ना किसी को पता लगता, मामला हल हो जाते। बात यह है कि ये पहली बात तो ये है कि ये बहुत अच्छा हुआ कि जो भी है सेटलमेंट हो गई है। पहले दिन ये बात जो है इसने टूल पकड़ा था तो मैंने उस वक्त भी ये बात बोली थी कि मुझे कोई इतनी बड़ी बात नहीं लगती है कि अगर ये क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब उसको बुला लेते या वो खुद उनसे जाके मिल लेता और अपने तहफ़ात का इजहार कर देता और एक ही कमरे में बात होती और ख़त्म हो जाती। तो मतलब कहने का ये, आप देखें ना कितनी ज़्यादा जो मुल्क की जो जो बेइज्जती हुई है पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो इसका जिम्मेदार किसको समझा जाए। बात यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि चलो जो जो अभी और ज्यादा सही होनी थी इंटरनेशनल लेवल पे उससे हम बच गए। कि जैसा भी है ये बात, मतलब जब ये बड़ी भी थी तो तब भी इसका हल मुझे जो नजर आ रहा था वो ये नजर आ रहा था कि ये बैठ के ही दोनों फरीक को बैठना चाहिए,
एक को अपना बुजुर्ग समझ के, मौसम समझ के उनको इज्जत देनी चाहिए। और ये असल में होता ये है कि जब कोई भी इशू निकलता है तो पार्टीबाजी शुरू हो जाती है, कोई एक एक को सपोर्ट करता है, दूसरा दूसरे को सपोर्ट करता है, तो ये बातें जो होती हैं ना ये तूल पकड़ जाती हैं। बट उसको देखा नहीं जाता कि एंड ऑफ द डे जो है वो पाकिस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया में बदनाम होता है। तो मैं समझता हूँ शुक्र अदा करना चाहिए कि ये बात खत्म हो गई है। जी नाजरीन, तां बुधो अब्दुल कादिर ऐं तोकी ज़िया जो हिन बाबत छा चवण। जी नाजरीन, क्रिकेट जी खबरुनि खे थोरो अञा अॻिते वधायूं था ऐं ॻाल्हि करियूं था राशिद लतीफ़ जी, जे अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम जी कोचिंग तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾी। पाकिस्तान जे अॻूणे कैप्टन राशिद लतीफ़ अफ़गान क्रिकेट बोर्ड जे तकरार खां पोइ टीम जी कोचिंग खां इस्तीफ़ा ॾेई छॾी आहे। राशिद लतीफ़ जे मुताबिक़ उन पंहिंजी इस्तीफ़ा अफ़गान क्रिकेट बोर्ड खे मोकिले छॾी हुई, जंहिं मंज़ूर बि करे वरिती। अफ़गान क्रिकेट बोर्ड जे विच में अणबण जारी आहे। गुज़िरियल कई ॾींहनि खां राशिद लतीफ़ ऐं अफ़गान क्रिकेट बोर्ड जे विच में अणबण जारी हुई, जंहिंजी कुरकुर में हुन इहो क़दम खयों आहे।